हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सभी बड़ों को पहला और छोटों को प्यार। तो गाइज, आज के ब्लॉग की शुरुआत यहीं से करते हैं। करीब सुबह का 9 बज चुका है और देख सकते हैं मैं अपने घर से थोड़ा सा नीचे पे हूँ और यहाँ का व्यू जो है ना कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, देखिए। और मैं आप सभी को बता दूँ गाइज, मैं देवभूमि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के विकासखंड कनालीचना के अंतर्गत दिगड़ा मौनी जो ग्राम आता है उस ग्राम में निवास करता हूँ। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर जो गेहूँ है ना, गेहूं के छोटे छोटे जो पौधे हैं, कुछ इस प्रकार से हरियाली यहाँ पर मेरे गांव के नीचे पे छा गई है। और रामगंगा नदी के ऊपर पे कोहरा आपको दिख ही रहा है, तो काफ़ी अच्छा सुबह का नज़ारा है। तो गाइस देख सकते हैं अभी मैं निकल रहा हूँ मार्केट को। तो आज मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगा क्रिकेट मैच हमारे यहाँ पे चल रहे हैं ना, मैं अभी वहाँ पे जाऊंगा, क्रिकेट मैच चल रहे हैं तो वहाँ पे जाऊंगा, तो क्रिकेट मैच का नज़ारा भी इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो आज का जो ब्लॉग है ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो बने रहिए, मैं निकल रहा हूँ आगे की तरफ को। तो गाइज फाइनली मैं आ चुका हूँ मार्केट की तरफ को, और यहाँ से बागेश्वर की दूरी है करीब 82 किलोमीटर और थल की दूरी है करीब करीब 10 किलोमीटर। तो गाइज देख सकते हैं ये है मेन रोड, और जो मुनस्यारी के लिए भी जाती है और बागेश्वर के लिए भी जाती है। तो ये देख सकते हैं गाइज सुबह सुबह का नज़ारा है, तो कैसा लग रहा है आपको ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो बढ़ता हूँ मार्केट की तरफ को। तो गाइज फाइनली मैं पहुंच चुका हूं क्रिकेट मैच वाले फील्ड में। तो यहां पे स्टार्ट हो चुका है क्रिकेट मैच, तो देखिए आप भी नज़ारा। और अच्छी तरह गेंद को खेला इस साइड पर, गेंद बाउंड्री की तरफ बहुत तेज गति से दूसरे के लिए जान चाहते हैं। पैडी ने नहीं देखा क्योंकि वह नहीं चाहते रन आउट होने के लिए, और जो आया तब तक सुरक्षित अपने स्थान पर। पैडी अब तैयार भी है और काफी तेज शॉट आई है और हमें जरूर है, लेकिन बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। क्या आठ शतक हो गया होगा, मैं स्कोरर से जानना चाहूंगा। स्कोरर अभी बताएंगे कि उनका आठ शतक हुआ अथवा नहीं। ज्यादा आठ शतक हो गया है, बधाई शुभकामनाएं नीरज को भी। 51 रन नॉट आउट, दोनों ओपनर अर्ध शतक पूरा कर खेलते हुए पहली बार स्वर्गीय पद बहादुर चंद भजवार चैलेंज करके इस मैच में। अब कुछ गेंदबाज को ढूंढ रहे हैं जो कुछ कर सके, कर तो दिया था लेकिन हमने गलती की, कई गौर किए हैं और उसमें अहम रोल रहा है सूर्य की खेलों का भी और फील्डर का भी अहम रोल रहा है कि गेंद को आखिरी क्षण तक नहीं देखने का कारण है, नजर हटी और फिर घटना घटी। चाहे आप ड्राइविंग कर रहे हो, चाहे क्रिकेट खेल रहे हो, और बहुत अच्छी तरह बहुत अच्छी फील्ड रन आउट होने का खतरा, लेकिन खुद नहीं कर पाए दोबारा कलेक्ट। अपने आप से नाराज, लेकिन अच्छी फील्ड नहीं। शॉट मिड विकेट का क्षेत्र और विकेट के बीच में, नीरज 51 के व्यक्तिगत युग पर। और मौका है लेकिन देखिए आज भारतीय 7 रन आउट संभावना हो सकते थे, लेकिन खुद साथ मिला। नीरज अच्छी करते हैं तो शायद अभी तक इनके
लगभग 4 मिनट और फिर से कंगना का छक्का फेंक के काफी अच्छी यहाँ पे स्टेट में शॉट मारी है नीरज ने। नीरज जोगी चौपाट से बिलोंग करते हैं और काफी अच्छी बैटिंग करते हैं। ओपनिंग पर आए थे जो दर्शक थोड़ी देर तक हमारे साथ नहीं जुड़े थे, अभी जुड़े हैं उनको बताना चाहूंगा। सबसे पहले यहाँ पर टॉस की प्रक्रिया अपने सलामी बल्लेबाज पैडी और नीरज को भेजा गया और दोनों ने अभी तक अर्धशतक पूरा कर लिया है और बिना किसी नुकसान के यहाँ पर 148 रन बना दिए हैं और एक कीर्तिमान यहाँ पर बना दिया है 148 रन की साझेदारी दोनों ओपनरों के द्वारा। 7 ओवर अभी भी कुछ ओवर आने बाकी हैं, 5 ओवर आने बाकी हैं, शायद आज 200 प्लस जाएगा स्कोर। और अभी तो धाकड़ बल्लेबाज कैप्टन महेश अन्ना और हनी का आना बाकी है, लेकिन कैच मिस करते हैं और साधारण सी गेंदबाजी करते हैं देखने को मिला यहाँ पे आज उनके द्वारा। और नए गेंदबाज है यहाँ पर फिर से फुलटॉस गेंद और फिर से वही नतीजा 4 रन का इशारा यहाँ पर अंपायर का। गेंदबाज आए हैं नए गोलू यहाँ पर अपना ओवर लेके आए हैं श्री कुंदन पुजारा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम हार देखो सुमित पालजी द्वारा इनको बहुत अंकित किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा, बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन पुजारा जी जो आज हमें अपनी गरिमाई उपस्थिति दी बधाई एवं शुभकामनाएं। वही मैच के बारे में बताते हैं आपको, आज जीएनएस से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है और जीएनएस के कप्तान रहेंगे चंदन मेहता, धर्मेंद्र, सैनिक, दीपो, भक्तो, महसूद, मन्नू, विजय, जीवन, विपिन राहुल, हिमांशु गिरी, दीपक मेहता, अमित नेगी, पंकु बिस्ट, भरत गिरी। तो गाइज आपको आज का ये ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा और आने वाले समय में मैं किस प्रकार के ब्लॉग आपके लिए लेकर आऊँ ये भी कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, जय भारत, जय देवभूमि।